السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. برادران الإسلام، कल मैंने आपके सामने सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने तीन किस्म के लोगों का तज़किरा किया, उसकी तरफ इशारा किया था। इस सूरत में अल्लाह ताला ने बहुत सारे अहकाम, मसाइल और वाकियात का जिक्र किया। सारी चीज़ों का अहाता मुख्तसर से वक्त में मुमकिन नहीं, लेकिन कुछ अहम बातें जो इस सूरत में पाई जाती हैं उनमें से कुछ रखने की मैं आपके सामने कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला ने इस सूरत में आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की तरफ इशारा किया। बहुत सारे लोग दुनिया में अल्लाह ताला के खालिक होने का इनकार करते हैं और दुनिया के ताल्लुक से ये नजरिया रखते हैं कि दुनिया बदाते खुद वजूद में आ गई, इसका कोई खालिक नहीं, इसका कोई पैदा करने वाला नहीं, और भी बहुत सारे नजरियात हैं। लेकिन हमारा अपना ईमान है, अपना अकीदा है कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया, दुनिया को पैदा किया और इसमें बसाने के लिए सबसे पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अनुमा की मरफू रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा किया तो मुख्तलिफ जगह से मिट्टी को इकट्ठा किया गया, जमा किया गया। कुछ जरखेज मिट्टी थी और कुछ बेकार मिट्टी, कहीं की मिट्टी लाल और कहीं की काली, गर्द एक के मुख्तलिफ मिट्टी को जमा किया गया, इकट्ठा किया गया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के ढांचे को अपने हाथ से बनाया। ये शरफ और ये खसूसियत, ये मंजिलत सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम को हासिल है कि रब करीम ने उनको अपने हाथ से बनाया। ढांचा तैयार हुआ, रूह अभी फूकी नहीं गई है, ढांचा रखा हुआ है। इबलीस ढांचे का चक्कर लगाता जायजा लेने के लिए कि यह क्या चीज जो बनाई जा रही है, तैयार की जा रही है। रिवायत के अल्फाज है, जब इबलीस ने मुशाहदा किया, देखा कि इसका पेट है, तो उसे महसूस हुआ, उसे यकीन हो गया कि अल्लाह ताला एक ऐसी मखलूक को पैदा करने जा रहा है जो अपने शहवात को, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और ये बात हकीकत भी है कि सारे फसाद की, सारी बुराइयों की जड़ इंसान का पेट है। इंसान अपना पेट भरने के लिए, पेट को पालने के लिए पता नहीं क्या क्या कर देता है, बसा औकात हलाल और हराम की तमीज खत्म हो जाती है, भुला देता है। यहां तक कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान ख्वाहिश करता है, तमन्ना करता है, एक वादी माल है तो दूसरे की तमन्ना होती है, दो वादी है तो तीसरे की तमन्ना होती है। आपने फरमाया वला यमला जो इब्नु आदम इल्ला तुराब, कि इंसान के पेट को सिवाय मिट्टी के कोई और चीज नहीं भर सकती, किसी और चीज से आसूदा नहीं हो सकता, सैराब नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के ढांचे को बनाने के बाद उसमें रूह फूंकी।
بعض روایتوں کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب روح پھونکنے کا آغاز کیا، روح پھونکی گئی تو سب سے پہلے چھینک آئی، آدم علیہ السلام نے اللہ کے سکھانے کے بعد کہا الحمدللہ، اور فرشتوں نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ، یہی سوال یہی جواب آج بھی پائے جاتا ہے، کوئی انسان چھینکتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ، اور جو سنتا ہے اس کو جواب دینا چاہیے یرحمک اللہ، اور اس کے جواب میں چھینکنے والا کہتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ روح پھونکی گئی تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا علم عطا کیا، ساری چیزیں سکھائیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا کہ دنیا میں جن چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کو کہا کیا جاتا ہے، ان کا نام کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے اور استعمال کیسے ہوتا ہے، ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا، آدم علیہ السلام کو دیا۔ فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، رب کریم نے فرمایا کہ اے آدم فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ ان کے پاس جا کر سلام کرو، اور جو جواب فرشتوں کی طرف سے تمہیں ملے گا حاصل ہوگا یہی سلام اور جواب کا طریقہ تمہاری اولاد میں بھی رائج رہے گا۔ آدم علیہ السلام فرشتوں کی جماعت کے پاس آتے ہیں سلام کرتے ہیں، اور فرشتوں کی طرف سے جواب پاتے ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ، حدیث کے الفاظ ہے کہ رحمت اللہ کا اضافہ فرشتوں کی جانب سے ہوا، اور یہی سلام اور جواب آج تک بنو آدم میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں رائج ہے جاری ہے۔ میرے محترم مسلمان دوستو، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا سات ہاتھ سات گز لمبے، سات ہاتھ لمبے، آدم علیہ السلام اتنے لمبے تھے، اتنا قد اونچا تھا، لیکن اس کے بعد جو مخلوق آتے گئی ہر صدی میں ہر قرن میں ان کی لمبائی ان کا قد کم ہوتے گیا، اور کم ہونے کے بعد آج ہمارا جو قد ہے یہ کم ہوتے ہوتے رہ گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس کا ایک سبب بھی ذکر کیا کہ ہر گزرنے والا دن ہر آنے والا دن پہلے والے دن سے برا ہوا کرتا ہے مجموعی حیثیت سے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایک نیک انسان آ جائے جو پہلے نہیں تھا، لیکن مجموعی حیثیت سے ہر آنے والی نسل سابقہ نسل سے بری ہوتی ہے، ہر آنے والا زمانہ سابقہ زمانے سے زیادہ برا ہوتا ہے، اور انسان پر برائی کا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ نے کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا، آپ حجر اسود کو دیکھ لیں جو کعبۃ اللہ میں لگا ہوا ہے، پہلے سفید تھا لیکن انسان کے گناہوں نے اس پر اثر ڈالا یہاں تک کہ یہ پتھر کالا ہو گیا، اور روئے زمین میں جب مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے آئیں گے تو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ لوگوں کی ایک جماعت آسودہ ہو کر اس سے کھا لیں گے، ایک جماعت کے لیے کافی ہو جائے گا، سیراب ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ برائی کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، روئے زمین پر صرف مسلمان باقی رہیں گے، یا تو اسلام ہوگا اور اسلام کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد اسی لیے اللہ تعالیٰ چیزوں میں برکت عطا کرے گا، برکت ڈال دے گا۔ تو اچھائی جب پائی جاتی تھی لوگ اونچے قد کے تھے، لیکن جیسے جیسے لوگوں میں برائی عام ہوتے گئی، لوگوں میں برائی پھیلتے گئی تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا قد کم ہوتی جا رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کا قد آدم علیہ السلام کے قد کی طرح ہوگا، آدم علیہ السلام کی جو لمبائی ہوگی تو آدم علیہ السلام کی لمبائی اور ان کے قد کے برابر
लोग होंगे, जब जन्नत में दाखिल होंगे, जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ताला ने पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करें। रब का हुक्म था, फरमान था, मानना लाजिम था। फरिश्तों ने बात मान ली, तस्लीम कर ली, सिवाय इबलीस के मुनकिर हो गया, सजदा नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने कियामत तक उस पर लानत भेज दी, मलऊन करार दिया गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल होते हैं, रब करीम ने सारी नेमतों के इस्तेमाल का हुक्म दिया एक दरख्त के फल के अलावा, कि उस दरख्त के फल के करीब न जाओ, इस्तेमाल न करो। लेकिन शैतान भटकाता रहा, आदम अलैहिस्सलाम उसके बहकावे में नहीं आए। तो शैतान ने हव्वा अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल किया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वलौला हव्वा लम तखुन उन्था ज़ौजा, कि अगर हव्वा अलैहिस्सलाम न बहकाती आदम अलैहिस्सलाम को, तो कभी कोई औरत अपने शौहर की नाफरमानी ना करती, नाफरमानी ना करती। हव्वा अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम को बहकावे में लाया, और शैतान के बहकावे की वजह से आदम अलैहिस्सलाम फल को इस्तेमाल करते हैं, जन्नत से निकाल दिए जाते हैं, जन्नत का लिबास उतार लिया जाता है, अल्लाह ताला से माफी मांगते हैं, इस्तग़फार तलब करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना वइल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। कुरान मजीद ने अल्फाज बयान किया कि किन अल्फाज के साथ आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ किया था। गौर करने का मुकाम है, इमाम इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को किस गुनाह ने जन्नत से निकाल दिया, जन्नत से निकालने का सबब बनाया, क्या गुनाहों का कोई ढेर था, मजमुआ था? एक गुनाह, एक गलती जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकाल दिए गए, जन्नत की नेमतों से महरूम कर दिए गए, जन्नत का लिबास उतार लिया गया, एक गलती, एक गुनाह। इसीलिए इंसान को कभी किसी गुनाह को मामूली और हकीर नहीं जानना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। बसा औकात एक गुनाह इंसान की तबाही और बर्बादी का सबब बन सकता है, उसको हलाक कर सकता है। अल्लाह ताला से माफी मांगी। यहां एक रिवायत बयान की जाती है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अर्श पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिखा देखा, उसके वसीले से दुआ किया, उसके वसीले से अल्लाह से मांगा, तो अल्लाह ताला ने सवाल किया, पूछा कि मोहम्मद के बारे में तुमने कैसे जाना, कैसे पता चला? तो आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अर्श पर कलिमा लिखा हुआ देखा तो मैंने समझा कोई ऊंची हस्ती है, मुकद्दस शख्सियतें हैं, इसीलिए उनके वसीले से मैंने दुआ किया। तो क्या रिवायत के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। मेरे दोस्तों, इस रिवायत की कोई हकीकत नहीं, ये रिवायत मुहद्दिसीन ने कहा कि मौदू है, मनगढ़ंत है। कुरान मजीद में अल्फाज वारिद है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। सीधे अपने रब को खिताब किया आदम अलैहिस्सलाम, कोई वसीला नहीं लिया, किसी वसीले का इस्तेमाल नहीं किया। कलिमात जो थे कुरान मजीद में उसको नकल भी कर दिए, जिक्र भी कर दिया। बाज रिवायतों का सहारा लेते हैं जिसके सर और पैर का पता नहीं, जिसके बारे में मालूम नहीं कि किसने उसको गढ़ा है, किसने हदीस की किताबों में उसको शामिल कर दिया है, जिसके बारे में मुहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि वो रिवायत मौदू है, मनगढ़ंत है, उसको उसका सहारा लेकर कुरान मजीद की जो दुआ है उसको छोड़ देते हैं, उसको तर्क कर देते हैं। मेरे दोस्तों, वसीला जिसका सहारा लिया जाता है, किताब व सुन्नत में जो चीज साबित है कि इंसान अपने नेक आमाल का वसीला ले, दूसरा कोई बाबरकत शख्सियत इंसान को दिखाई देती है, गुमान करता है कि नेक होगी, साले होगी, उससे दुआ की दरख्वास्त करता है कि मेरे लिए दुआ कर लो, तो ये भी जायज है अपने नेकियों का, आमाले सालिहा का वसीला लेना और अल्लाह के नामों का वसीला लेकर दुआ करना। रब्बुल आलमीन के बेहतरीन नाम है,
और इसी सूरत में आयतुल कुर्सी का रब्बुल आलमीन ने जिक्र किया। बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ते जाता है, अल्लाह के नामों को पहचानते जाता है, अल हय्युल कय्यूम। बाद रिवायतों में आता है कि ये इसमें आवम है। इसमें आवम क्या मतलब? इसमें आदम का कि वो नाम बंदा इसको वसीला बनाकर दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता है। अल हय्युल कय्यूम, इन नामों का वसीला लेकर अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से कोई तलब करता है तो अल्लाह ताला बंदे की दुआ को कबूल करते हैं, सुनते हैं। और इसमें आदम बाद उलमा ने कहा कि कुल वल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो अल्लाह ताला के बेहतरीन नाम है, उनका वसीला इंसान ले सकता है और अपने नेकियों का वसीला इंसान ले सकता है और किसी साले बुजुर्ग शख्सियत से दुआ की दरख्वास्त कर सकता है। इसके अलावा किसी जात का वसीला लेना मेरे दोस्तों किसी भी हदीस से साबित नहीं, बल्कि सहाबाए किराम को आप देख लें, जब भी दुआ करते मुसीबत में घिर जाते तो इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु का दुआ का सहारा लिया किसने? अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह तआला। बारिश रुक गई थी, लोग पानी को तड़प रहे थे तो उमर फारूक रजी अल्लाह तआला आते हैं और अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं कि आप दुआ करें बारिश के लिए। उसके बाद अल्फाज हैं हदीस के कि जब तक नबी बाहयात थे उनकी दुआ का हम वसीला लिया करते थे, उनसे दुआ की दरख्वास्त करते, नबी दुआ करते तो अल्लाह बारिश नाजिल करता, लेकिन नबी के इंतकाल के बाद हम अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु की दुआ का वसीला ले रहे हैं, उनसे दुआ करवा रहे, अल्लाह उनकी दुआ से बारिश नाजिल कर देना, दुआ करते हैं तो अल्लाह बारिश उतार देता है। यहां उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अगर शख्सियतों का वसीला इस्तेमाल करना जायज होता तो नबी अलैहिस्सलाम की जात का वसीला लेकर दुआ करते, लेकिन ऐसे नहीं किया बल्कि दुआ का सहारा लिया और उसके जरिए अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप दुआ करें अल्लाह ताला से बारिश नाजिल फरमाए। दुआ की बारिश नाजिल हो गई। इसीलिए मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, लोगों को कहा जाता है कि कुरान का मुताला करें, देखें कि हकायक क्या है, किताब और सुन्नत क्या कहता है। अल्लाह ताला ने बनु इसराइल का तज़किरा किया, बनु इसराइल, इसराइल कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम को, 12 बेटे थे और इसी से यहूदियों की नस्ल आती है। अल्लाह ताला ने इस कौम को सबसे ज्यादा दुनिया में फजीलत अता की थी, सबसे बेहतरीन कौम अपने जमाने में अल्लाह ताला ने कहा, लेकिन नाफरमाने की वजह से, अल्लाह की आयतों के इनकार की वजह से, अंबिया को कत्ल करने की वजह से अल्लाह ताला ने दिल्लत और रुसवाई इस कौम पर नाजिल फरमाई। ये इतनी बदबख्त कौम थी कि अल्लाह के आकामात को सुनती लेकिन तस्लीम नहीं करती, नहीं मानती। अल्लाह ताला ने एक वाकये की तरफ इसी सूरत में इशारा किया, बनो इसराइल के एक आदमी था बड़ा मालदार, उसका कोई वारिस नहीं, लेकिन उसके भाई का बेटा वो अकेला वारिस था उसके माल का। मीरात को हासिल करने की जल्दी में उसने अपने चचा का कत्ल कर दिया, मार दिया, कत्ल कर दिया। मेरे दोस्तों, जो मवाने इर्स हैं जिससे आदमी मीरात से महरूम हो जाता है, उसमें से एक कातिल होना। अगर आदमी कत्ल कर देता है मीरात के लिए तो इसी सूरत में मीरात से महरूम कर दिया जाता है, वारिस नहीं बन सकता। लेकिन आज बहुत सारे लोग हैं माल के लालच में बसा औकात माँ को कत्ल कर देते हैं, बाप का कत्ल कर देते हैं, रिश्तेदारों की हुरमत, रिश्तों की हुरमत का जरा भी ख्याल नहीं होता, लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ, मीरास को हासिल करने के लिए कत्ल कर दिया, लाश को किसी और के घर के सामने डाल दिया। कातिल का पता नहीं कि कत्ल करने वाला कौन है, चीख पुकार मची हुई है, लोग कातिल की तलाश में हैं। जब कोई वसीला बाकी नहीं रहा, मूसा अलैहिस्सलाम के पास लोग आए और कहने लगे कि आप कातिल का पता लगाएं कि कातिल कौन है।
किसने मारा, किसने कत्ल किया, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं मूसा अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि एक गाय रवा की जाए, एक गाय रवा की जाए। बनू इसराइल थे, यहूदी थे, अजीब अकल थी, अजीब मंतिक थी, उन्होंने हिकमत तलाश करनी शुरू की कि कातिल के नाम को मालूम करने में, गाय को दबा करने में, इन दोनों में क्या ताल्लुक है, हिकमत क्या है, ताल्लुक क्या है। तो मानने से इनकार कर दिया। मेरे दोस्तों आयात पर गौर कीजिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने यह नहीं कहा कि यह मेरा हुक्म है, मैं कहता हूं, कहा इन्नल्लाह यअमुरुकुम, ये रब का फरमान है, ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के हुक्म को सुनने के बावजूद भी मानने के लिए तैयार नहीं, ज़बा करने के लिए तैयार नहीं। कोई भी गाय लेते, ज़बा करते, मसला हल था, लेकिन इन्होंने अपने आप को तकलीफ में डाला, मशक्कत में डाला, सवाल पर सवाल करने लगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तुशद्दिदु अला अनफुसिकुम, अपने आप पर सख्ती ना करो, अगर तुमने अपने आप पर सख्ती किया तो ऐसी सूरत में अल्लाह तुम पर सख्ती नासिल करेगा, सख्ती में मुबतला करेगा, लिहाजा अपने जानों पर सख्ती से काम ना लो। जब उन्होंने सख्ती से काम लिया, पूछा कि आपने गाय ज़बह करने का हुक्म दिया है, ये गाय कैसी होनी चाहिए, उसकी सिफत कैसी होनी चाहिए, हैयत कैसी हो, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला ने उसकी सिफत नाजिल की कि देखो इंतहाई बूढ़ी भी ना हो और ना ही बच्चा हो, बल्कि नौजवान हो, ऐसी गाय रवा करो। तो फिर उन्होंने पूछा, सवाल किया कि उसका रंग कैसे होना चाहिए, कलर क्या हो, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जर्द रंग हो, चमकने वाली हो, जब कोई आदमी उसको देखे तो देखकर उसका दिल खुश हो जाए, ऐसी गाय कोई तलाश करो। फिर उन्होंने सवाल किया कि हमें समझ नहीं आ रहा है कि आप मजीद जो है उसकी सिफात बयान करें, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के बाद बयान करते हैं, कहते हैं कि देखो खेती बाड़ी में इस्तेमाल ना होती और ना ही खेती को सैराब करने में, पानी पिलाने में उसका इस्तेमाल किया जाता हो, उसमें कोई ऐब भी ना पाया जाए, ऐसी गाय को तुम ज़बह करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि इतने औसाफ आने के बाद भी बड़ी मुश्किल से आमादा हुए ज़बह होने पर, वमा कादु यफ़अलून, हालांकि अब भी शक में थे कि कैसे ज़बह करें, इतना अल्लाह का हुक्म आने के बाद भी दिल में शक और शुकूक और शुबहात पाए जाते हैं कि पता नहीं हमारा मसला हल होगा या नहीं होगा। वो करना नहीं चाहते थे लेकिन हुक्म आ गया तो मजबूरी में दवा किया। कातिल के नाम का पता चला। मेरे मोहतरम मुसलमान दोस्तों, सबक मिलता है हम मुसलमानों के लिए, अल्लाह का कोई हुक्म आता है, रब का कोई फरमान आता है तो मान लें, तस्लीम कर लें, इल्लतें तलाश करने की कोशिश ना करें। इल्लतें मालूम हो ना मालूम हो, अल्लाह के हुक्म को मानना बसा औकात इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता करता है और इंसान सुरखुरु होता है हर जगह, वरना अल्लाह की लानत, अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा नाजिल हो सकता है और सबसे बढ़कर अल्लाह के फरामीन को ठुकराता है। तो होता क्या है, अल्लाह ताला ने इसी सूरे में जिक्र किया कि अल्लाह ताला उसके दिल को सख्त बना देता है, संदिल हो जाता है, आयात उसके बाद असर नहीं करती, जितनी भी आयतें पढ़ते जाओ दिल के सख्त होने की वजह से आयात अल्लाह ताला की असर नहीं करती। रब करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस पढ़कर उस पर अमल करने की तौफीक अदा फरमाए, उसके अहकामात और फरामीन को बजा लाने की तौफीक अदा फरमाए और अल्लाह ताला इस बजावरी को हमारे लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का दरिया बनाए, जन्नत में जगा दे, जहन्नम और कब्र के अदाब से बचाए। आमीन व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।